दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं शुगर वाले भाई बहनों के लिए ऐसा रायता लेकर आई हूँ जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। रायता बनाने से पहले तमाम शुगर व बीपी वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, जैसा मैं हर बार करती हूँ, कि दोनों समय नियमित सैर जरूर करें। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को सैर करते समय हल्का सा तेज चले और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है। जैसा कि आप सभी भली प्रकार से जानते हैं, अलसी शुगर में किसी वरदान से कम नहीं। अलसी में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और अलसी एक अमृत तुल्य भोजन है। और अलसी का कई प्रकार से सेवन किया जाता है, जैसे कि यह देखिए अलसी, अलसी का पाउडर बनाकर पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही चबा चबा कर भी खा सकते हैं। आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, जैसे कि एक चम्मच पानी में उबालिए तब भी इसका सेवन किया जाता है, या फिर आप इसको रात को भिगोकर भी खा सकते हैं। परंतु आज मैं इसका रायता बनाऊंगी जो बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है, आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा और यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आइए बनाते हैं रायता। और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। यह देखिए अलसी, अलसी को थोड़ा पीस लेना है। यह देखिए थोड़ा दरदरा करना है, हमने पीस कर रखी है। इसके लिए यह देखिए दही, सेपरेटे वाली दही लेनी है, दूध वाली दही बिल्कुल नहीं लेनी। यह देखिए एक हरी मिर्च जो हमने बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट के रखी है। यह देखिए दो पत्ते मरवे के, आप इसकी जगह पुदीना भी ले सकते हैं, अगर आपके पास मरवा नहीं है तो पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह देखिए सेंधा नमक, सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से लेना है। अब सबसे पहले यह देखिए अलसी, एक चम्मच पीसी हुई अलसी लेनी है, इसको हम दही में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यह देखिए अब हम डालेंगे थोड़ा सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से। इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च जो हमने बारीक टुकड़ों में काट के रखी है, और ये मरवे के पत्ते, इनको या तो आप काट सकते हैं या फिर ऐसे तोड़कर भी डाल सकते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसके सेवन से काफी समय तक पेट भरा भरा रहता है और जल्दी भूख नहीं लगती। यह देखिए हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए अलसी वाला रायता बिल्कुल तैयार है। एक कटोरी दही लेनी है और इसके अंदर एक चम्मच अलसी डालनी है, और आप इसका किसी भी समय बेफिक्र होकर सेवन कर सकते हैं। परंतु एक कटोरी का ही सेवन करें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें, नई नई जानकारी पाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दोस्तों।